तो भाई ये जो मेरी पुलिस बस है इसके अंदर जरा तुम लोग एक बार चोर देखो। पूरे के पूरे 7 चोरों को पकड़ के लेके जा रहा हूँ गाइस। और लास्ट टाइम तक तुम लोगों को पता होगा भाई मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स थे, लेकिन उनमें से कोई सा भी ऐसा व्हीकल नहीं था जिसमें मैं एक साथ कई सारे चोरों को पकड़ सकूं। बट लास्ट टाइम मैंने पुलिस के हेड से बात की इस बारे में और फाइनली निकलवा ली उन लोगों से एक ऐसी पुलिस बस जिसके अंदर भाई एक साथ 20 चोर भी रखे जा सकते हैं। 10 चोर बैठ सकते हैं और 10 चोर खड़े रहें, तो आराम से इस गाड़ी के अंदर 20 चोरों को मैं ले जा सकता हूँ जेल के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी मिली थी मेरे को लास्ट टाइम, तुम लोगों ने देखा ही होगा भाई। बाकी चोरों लेकर चलते हैं तुम लोगों को जेल। अबे बैठ जाओ, अबे खड़े क्यों, चार चार देखो भाई खड़े हैं, बाकी 3 बैठे हुए हैं। अरे यार लगता है इन लोगों को जेल में ले जा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़े से दुखी हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा दुखी मत हो, जेल में तुम्हें कम पीटा जाएगा, टेंशन मत लो। चलते हैं फटाफट से गए इन सारे के सारे चोरों को जेल में लेके और बढ़िया तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं लॉस सैंटोस के अंदर। भाई जब से मैं पुलिस ऑफिसर बना हूँ एकदम क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। लॉस सैंटोस में चोर बिल्कुल भी तबाही नहीं मचा पा रहे हैं, और जो भी अगर कुछ भी करने की हिम्मत दिखा रहा है वो अगले दिन सीधा जेल में पड़ा मिलता है। इसलिए भाई लॉस सैंटोस के जो चोर है काफी ज्यादा डर चुके हैं और काफी चोरियां कम हो चुकी हैं। चलते हैं अभी फिलहाल, एक साथ मैंने इन 7 चोरों की गैंग को पकड़ा है। अब बताओ इनकी पूरी की पूरी गैंग ही खत्म आज से, अभी पता नहीं है कितने दिन तक जेल में बंद रहने वाला है, तब तक तो ये लोग बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे। और देखो भाई उसके बाद निकलेंगे भी तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि जेल में इनकी ऐसी हालत कर ही दूंगा मैं। बाकी चलते हैं फटाफट से लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन की तरफ। पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली पुलिस स्टेशन इन 7 चोरों की गैंग को लेकर। ओके एक काम करता हूँ, अब इस पुलिस बस को मैं इधर ही साइड में लगा देता हूँ। आ जाओ चोरो आ जाओ, और भागने की तो कोशिश कोई भी मत करना, वरना बेटे यहाँ से अगर तुम लोग भाग गए मान लो और फिर मैंने तुम लोगों को दोबारा पकड़ लिया, फिर तो मैं ऐसा पीटूंगा कि चलने फिरने लायक भी नहीं रहोगे। शांति से एकदम अच्छे बच्चों की तरह बाहर आते रहो, चलो चलो बाहर आते रहो भाई। ए तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा, सारे के सारे बाहर आओ इधर चलो। ओके तो यहाँ पर भाई 7 चोर, कोई बात होती है, ये एक साथ 7 चोर पकड़ लिया। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी पुलिस की स्पेशल सुपर कार होती फिर तो मैं इन चोरों को एक साथ पकड़ के ला ही नहीं सकता, 2-3 को पकड़ के लाता 3-4 भाग जाते, या फिर सबको फिर बेहोश कर करके लाना पड़ता। बट लाता तो सही मैं, बट अपने पास अब पुलिस बस है, इसकी हेल्प से हम लोग काफी इजीली लेकर आ गए इन लोगों को। आ जाओ ये आ जाओ, पुलिस के हेड के पास चलते हैं। हेलो सर। हेलो फ्रैंकलिन, कैसे चल रहा है काम? बढ़िया तरीके से चल रहा है सर, कुछ चोर पकड़ के लाया हूँ मैं। कुछ चोर? हाँ सर, ये लगभग लगभग कितने हैं ये? ये लगभग सर 7 चोर पकड़ के लाया हूँ मैं। 7 कहाँ, ये तो 6 ही हैं। ओए ओए एक कहाँ भाग गया ओए, अच्छा ये रहा टकला, ओए टकले अंदर आ। तो ये है सर टोटल 7 चोर। अरे वाह फ्रैंकलिन, काम तो बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अब सर आप देखो इनका क्या ही करना है, मैं तो चला इनको आपके भरोसे पे छोड़ के। वैसे क्या क्या कर क्या रहे थे ये लोग, क्या चुरा रहे थे? सर एक ज्वेलरी स्टोर लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, और 2 बंदे तो घुस भी गए थे, लेकिन उन 2 बंदों से पूछताछ करके मैंने इनकी पूरी की पूरी गैंग का पता निकलवा लिया और फिर सबको पकड़ लिया है। सर आप देखो इनका क्या करना है, बाकी मैं चला पेट्रोलिंग पर। ओके काफी ज्यादा मजा आता है यार जब एकदम नेक्स्ट लेवल के व्हीकल से अलग अलग चोर में पकड़ के भाई पुलिस स्टेशन में लाता हूँ, एकदम मजा सही आ जाता है। बाकी चलते हैं गाइस, और कोई चोर वोर है क्या लॉस सैंटोस में? लेट्स गो ऑन पेट्रोलिंग। आ जाओ भाई, वैसे शिनचैन पिनचैन पता नहीं कब ज्वाइन करेंगे भाई पुलिस स्टेशन। वो पुलिस ऑफिसर तो कब के बन चुके हैं लेकिन उनकी ड्रेस ही नहीं रेडी हो पा रही है यार। वेट वेट वेट, किसी का फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है ये? हेलो हेलो भाई। हेलो सर, हेलो सर, यहाँ पर एक चोर घुस गया सर। कौन बोल रहा है भाई? सर मैं एयरपोर्ट का गार्ड बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट का गार्ड? भाई क्या दिक्कत हो गई है? सर यहाँ पर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक काफी खतरनाक चोर घुस गया है, और सर वो प्लेन चुराने की कोशिश कर रहा है। प्लेन चुराने की कोशिश कर रहा है? यस सर प्लेन चुराने की कोशिश। टेंशन मत करो मैं अभी आ रहा हूँ। सर जल्दी आओ सर, वरना वो टेक ऑफ कर जाएगा। नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, टेंशन मत हो। ओके गाइस, भाई प्लेन चुराने की कोशिश कर रहा है। भाई चोर तो भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चोरी होने से रोक रहा हूँ, ज्वेलरी स्टोर के अंदर चोरी होने से रोक रहा हूँ, ये बंदे इतने शातिर हो गए हैं कि प्लेन चुरा रहे हैं। भाई कोई बात होती है? कोई बात नहीं गाइस, भले ये प्लेन चुराए या कुछ भी चुराए, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर पाएगा वो चोर। सही टाइम पे इस बंदे ने फोन कर दिया, एयरपोर्ट का गार्ड था शायद से ये। जो भी हो एक काम करते हैं,
हम लोग गाइस अपनी व्हीकल लेकर चलते हैं भाई, मेरा स्पेशल वाला पुलिस हेलीकॉप्टर हेल्प करेगा इस चोर को पकड़ने में। चलो चलो जल्दी से हम लोग पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। कैसे अपना पुलिस का हेलीकॉप्टर पुलिस स्टेशन की छत पे ही है। जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट। बाकी यार अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस चैनल को, ताकि मैं एकदम मस्त तरीके से इन चोरों को पकड़ पकड़ के खुद प्रमोशन ले सकूं। यस गाइस मेरे को प्रमोशन चाहिए भाई, कब तक मैं ये नॉर्मल पुलिस ऑफिसर बन के घूमता रहूंगा, मेरे को तगड़ा वाला पुलिस ऑफिसर बनना है, इसके लिए भाई प्रमोशन तो चाहिए होगा। इसलिए गाइस जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी निकलते हैं इस चोर को पकड़ने के लिए। सबसे पहले तो एयरपोर्ट निकलते हैं हम लोग, वहीं पे एयरपोर्ट के गार्ड ने मुझे कॉल करके बुलाया। चलो भाई ये रहा मेरा पुलिस का हेलीकॉप्टर। अगर तुम लोगों ने हमारी पूरी पुलिस की सीरीज को फॉलो किया होगा तो तुम लोगों को पता होगा यार ये पुलिस का हेलीकॉप्टर मेरे पास कहां से आया। चलो भाई एयरपोर्ट सामने ही है, जल्दी पहुंच जाएंगे। देखा भाई अगर गाड़ी से निकला होता मैं बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसके अंदर ये देखो वेपन्स की कोई कमी नहीं है भाई, मिसाइल से लेकर मशीन गन है, तबाही मचा देंगे उस चोर की जिंदगी में। भाई सब छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, अभी तो फिलहाल चलते हैं जरा फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ। चलो भाई चलो चलो, अरे मेरे हेलीकॉप्टर थोड़ा फास्ट चल रहे भाई। यार हेलीकॉप्टर्स की यही दिक्कत है, प्लेन कितने ज्यादा फास्ट होते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर उतने कुछ ज्यादा भी फास्ट नहीं होते हैं। चलो चलो आई गए, चोरी कहाँ हो रही है पता नहीं, चलते हैं आगे। गार्ड, किस गार्ड ने कॉल किया था मेरे को ये भी तो नहीं पता मेरे को, इधर जो गार्ड रहता है गैस उसी ने कॉल किया होगा, या फिर कहाँ के गार्ड ने कॉल किया, मुझे लगता है इधर वाले गार्ड ने कॉल किया होगा मेरे को। चलते हैं फटाफट से इधर की साइड, पहले तो लैंडिंग करते हैं फटाफट इधर ही। एक सेकंड, लैंडिंग क्यों करनी है, चोर ने चोरी कर ली क्या इतनी देर में, लेट हो गया क्या भाई मैं? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता गाइस मैं लेट हो गया हूँ यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, काफी एपिक लैंडिंग हो चुकी है मेरे हेलीकॉप्टर की। ओए गार्ड भाई किसने कॉल किया था, ओए मेरे को किसने बुलाया मेरे को यहाँ पे, अबे किसने बुलाया था भाई। एक तो ये पुलिस को फोन करके बुला लेते हैं, बताते भी नहीं है बुलाया किसने। अबे वहाँ पर दो गार्ड्स बेहोश पड़े हुए हैं, बाकी दो गार्ड्स कौन से हैं, लेकिन क्या सीन हो रखा भाई। अबे भाग कहाँ रहे हो तुम लोग, अरे किसको मार रहे हैं ये लोग, अरे इधर भी एक गार्ड है, अरे कितने गार्ड हैं यहाँ पे, और ये गार्ड किसको पकड़ के इसको रहे हैं, चोर को। भाई भाई चोर भाग गया क्या? सर तीन चोर आए थे यहाँ पर चोरी करने के लिए। अच्छा और जिसने आपको कॉल किया था वो तो फिलहाल बेहोश हो गया। अच्छा इसने कॉल किया था मेरे को, भाई सीन क्या हुआ है मेरे को पूरा एक्सप्लेन करेगा। सर तीन चोर आए थे और दो चोरों के पीछे तो हमारे गार्ड भाग गए, लेकिन एक चोर सक्सेसफुली एंटर कर गया सर एयरपोर्ट के अंदर। प्लेन चुरा के भाग लिया वो? नहीं सर अभी प्लेन चुरा के तो नहीं भागा है। मतलब गाइस अभी वो अंदर ही है, वो प्लेन ढूंढ रहा है कौन सा चुराना चाहिए, शायद डिसाइड कर रहा होगा पैसेंजर प्लेन चुराए या फिर प्राइवेट प्लेन, बट जो भी हो उसको प्लेन चुराने से पहले ही हमें पकड़ना होगा। चलो भाई कहाँ पर है ये चोर का बच्चा, छोड़ूंगा तो नहीं मेटा मैं, हेलीकॉप्टर लेकर ही ढूंढते हैं फटाफट। ये किया मस्त वाला टेक ऑफ, ढूंढते हैं जरा इस चोर को। अब कौन सा है भाई सामने, तो आओ कौन सा है प्लेन चुराने के लिए, वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन लैंड हुआ है या फिर चोर कंट्रोल कर रहा है उसे, आई हैव नो आइडिया भाई। नहीं नहीं चोर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, नहीं नहीं वो लैंड हुआ है यार, चोर कहाँ गया फिर, ये वाला प्राइवेट जेट तो गया। अरे यार गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया उस गार्ड ने मेरे को तो लग रहा भाई, कोई चोर वोर नहीं घुसा है यहाँ पर, बे मतलब मैं पागल बना रहा है मेरा। वैसे एक प्राइवेट जेट वहाँ पर भी है, वेट वेट वेट, ओए 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 मेरे को देख के उसने गेट बंद कर लिया प्राइवेट जेट का। वेट वेट गाइस कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें, ओए जल्दबाजी में वो उड़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को लग रहा है इस प्राइवेट जेट में गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है गाइस इस प्राइवेट जेट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। एक सेकंड, ओए कौन है बे तू, अबे एक सेकंड वो देखते देखते ऐसे कैसे उड़ गया भाई, हेलो मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। एक सेकंड गाइस, अबे वो उड़ रहा है, वो प्लेन लेके उड़ रहा है भाई। एक सेकंड उसको गोलियां चलाता हूँ, रुक जा बेटे, मेर से ज्यादा तेज नहीं है तू, हेलो बेटा मेर से ज्यादा तेज नहीं है तू, कहाँ गया वो, अबे वो कहाँ गया, हेलो कहाँ गया वो, एक सेकंड, अबे अभी तो गया था वो इधर ही, मैं दूसरी तरफ देख रहा था यार, मेरे को लगा शायद वो चोर नहीं होगा, लेकिन एक सेकंड इधर देखा तो वो तो सीधे आसमान में, और भाई मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर आया तो वो अब आसमान में भी नहीं है, तो गया कहाँ वो फिर। अरे यार इतनी जल्दी गायब हो गया वो, कितनी तेज उड़ा है यार उसने प्लेन, फिर तो ये फिर से बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई भाई, मेरे सामने से एक चोर प्लेन लेके उड़ गया और मैं कुछ नहीं कर पाया,
नहीं 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 ये बहुत ज़्यादा गलत सीन हुआ है मेरे संग। सीरियसली मैं मेरे सामने से एक चोर प्लेन लेके टेक ऑफ करके और बिल्कुल फुल स्पीड में भगा के गायब हो गया है और मैं यहाँ पर दूसरी तरफ कुछ कर भी नहीं पाया। ये तो गलत बात है बहुत ज़्यादा। मैं जा रहा हूँ भाई वापस से। मैं चला फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ और मैं चला भाई फिर से एक व्हीकल की डिमांड करने। मेरे को चाहिए भाई अब पुलिस प्लेन। पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर हो गया, पुलिस स्पेशल टैंक भी हो गया, पुलिस स्पेशल बस भी हो गई मेरे पास, लेकिन अभी फिलहाल प्लेन की चोरी रोकने के लिए मुझे चाहिए पुलिस स्पेशल प्लेन जिसके अंदर स्पेशल वेपन्स लगे हों और एकदम ही खतरनाक हो वो पुलिस प्लेन जिससे हम लोग गाइस ये प्लेन्स वगैरह की चोरियों को रोक सकें। लेट्स गो। सबसे पहले तो इस हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं नीचे पुलिस स्टेशन की छत पे फटाफट। चलो भाई ये हो गई एकदम प्यारी सी लैंडिंग। चलो भाई अब मैं चला एक पुलिस प्लेन की डिमांड करने के लिए। आई नो ये डिमांड सुनते ही भाई अपने जो पुलिस के हेड है वो गुस्सा हो जाने वाले हैं, बट क्या करूं भाई मेरी भी मजबूरी है। अगर प्लेन्स की चोरी को रोकना है तो भाई मेरे को एक पुलिस स्पेशल प्लेन की जरूरत पड़ेगी। भाई तुम लोगों ने देखा उधर वो प्लेन बंदा लेके उड़ा, उधर ठोक दिया उसने प्लेन। मेरे को लगा भाई जल्दबाजी में उड़ाने की कोशिश कर रहा था इसका मतलब यही चोर है, लेकिन वो नॉर्मली पीछे लेके आ गया था यार प्लेन। तो मैं सोचा भाई नहीं नहीं गलतफहमी हो गई है ये चोर नहीं है, लेकिन 2 सेकंड बाद इधर नजरें घुमाते वो तो हवा में है सीधे। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शातिर चोर था वो। चलो 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 अभी फिलहाल नीचे आ चुके हैं, लेट्स गो। ओके ओके हेलो सर। अरे पुलिस के हेड सर कहाँ गए? अच्छा वो दूसरे वाले रूम में है। हेलो सर, अबे इनकी अभी इन 7 चोरों से बातचीत चल रही है। आओ फ्रैंकलिन, तो इन 7 चोरों को मैंने सोचा है कि 2 साल तक जेल के अंदर बंद रखते हैं। सर इन्हें जो करना है करो। ठीक है जेल के अंदर बंद करके आओ इन सबको। अरे सर किसी दूसरे पुलिस वाले को कह दो। वो सब दूसरे दूसरे कामों से गए हैं यार। ठीक है अभी बंद करके आता हूँ। चलो बे नालायक चल नीचे, चल बे तू भी चल टकले चल नीचे। अरे ये कौन सा तरीका है फ्रैंकलिन? यही तरीका है सर। अबे चलना नीचे, देर से कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा। चलो भाई ये सारे तो हो गए जेल के अंदर बंद। सर बंद कर दिया मैंने सबको। बहुत ही बढ़िया फ्रैंकलिन, अब बताओ क्या हो गया? सर मेरे को एक स्पेशल व्हीकल चाहिए। अरे अब क्या चाहिए भाई तुम्हें? सर मुझे सर एक प्लेन चाहिए। प्लेन? हाँ सर एक फाइटर प्लेन टाइप का, एक पुलिस स्पेशल प्लेन चाहिए मुझे। अरे लेकिन पुलिस स्पेशल प्लेन क्या करोगे, पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर है तो? सर पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर अब उतना काम का नहीं लग रहा मेरे को। आज ही की बात ले लो सर, मैं गया था एयरपोर्ट, एक चोरी हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो चोर को पकड़ते हैं। उस चोर को पकड़ने के चक्कर में इधर उधर देख रहा था मैं और तभी वो चोर जैसी नजर घुमाता सर हवा में होता है। क्या जब उसने टेक ऑफ किया तब तुम क्या कर रहे थे? तब तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर रहा था मैं। अच्छा तो उसने टेक ऑफ किया तो उसके संग संग टेक ऑफ क्यों नहीं किया? सर उसके संग संग ही टेक ऑफ किया, बल्कि मेरी हेलीकॉप्टर के अंदर छोटा सा बूस्टर है उसका भी यूज कर लिया, लेकिन मैं उसका पीछा करूं उससे पहले वो पता नहीं प्लेन लेके कहां ही गायब हो गया बिल्डिंगों के बीच में। अच्छा यस सर, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे को एक स्पेशल प्लेन चाहिए, पुलिस प्लेन, जिससे मैं इन प्लेन की चोरियों को भी रोक सकूं। देखो भाई हमारा इतना बजट नहीं है अभी पुलिस डिपार्टमेंट का, इसलिए तुम्हें पुलिस स्पेशल प्लेन तो नहीं दिया जा सकता। सर कैसा भी प्लेन चलेगा, टूटा फूटा भी प्लेन दे दो मैं उसे रिपेयर करवा लूंगा, बस मेरे को एक प्लेन दे दो पुलिस स्पेशल प्लेन। ठीक है मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ, मिल गया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। ठीक है सर बाहर वेट करते हैं, मिल जाए तो ठीक है यार, फिर तो मैं कोई सा भी कैसा भी प्लेन मिल जाए फिर तो मैं एकदम मस्त अपग्रेड करवा लूंगा उसे। फ्रैंकलिन सुनो। क्या हो गया सर? तुम्हारा प्लेन आ चुका है। क्या बात कर रहे हो सर? और इस बार का प्लेन बहुत ही तगड़ा है, तुम खुश हो जाने वाले हो उस पुलिस स्पेशल प्लेन को देखकर। अच्छा देखते हैं भाई, हमेशा तो ये जो पुलिस वाले जो भी व्हीकल मेरे को देते हैं उसको देखकर डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। अब जैसे कि ये पुलिस बस जब मेरे को दी थी इन लोगों ने नॉर्मल पैसेंजर बस दे दी थी भाई, फिर जब ये टैंक दिया था, इतू से टैंक दिया था भाई जिसके अंदर मैं ढंग से फिट भी नहीं आ रहा था, वो तो मस्त अपग्रेड करवा के मैंने ऐसा टैंक बनाया है। फिर गाड़ी ही ले लो। अरे एक सेकंड मेरी गाड़ी कहाँ गई? अच्छा मैंने अपनी गाड़ी को उधर पार्क किया है। अब गाड़ी ले लो भाई, जो ये मेरे को गाड़ी मिली एकदम बेहुदा सी गाड़ी मिली थी, वो तो अपग्रेड करवा के मैंने इतनी मस्त गाड़ी बनाई। फिर घर पे मेरी पुलिस बाइक भी रखी हुई है, पुलिस हेलीकॉप्टर भी इन लोगों ने काफी बेकार सा दिया था, पुलिस प्लेन तो अच्छा दिया है भाई। भाई सच बताओ मैं अभी तक जितने भी पुलिस वालों ने मेरे को व्हीकल्स दिए हैं सारे व्हीकल्स देख कर डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इनका व्हीकल देख के थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है।
सीरियसली मैं रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। अरे वाह यार, मैंने तो सोचा था कोई घटिया सा जंग लगा हुआ एकदम टूटा फूटा सा प्लेन देंगे, लेकिन इन लोगों ने तो भाई एकदम बेहतरीन सा पुलिस प्लेन दे दिया। थैंक यू सर, पुलिस के हेड सर, थैंक यू, बहुत ही ज्यादा थैंक यू। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, ले जाओ बस पुलिस प्लेन को और पकड़ो चोरों को। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया प्लेन दे दिया। मेरे को तो लग रहा है भाई इसे अपग्रेड करवाने की भी जरूरत नहीं है, सीरियसली में भाई साहब, सीरियसली में इसको अपग्रेड करवाने की भी जरूरत नहीं है। चलो भाई ओके, टेक ऑफ करते हैं। फ्रैंकलिन एक बात बतानी रह गई। क्या सर? इस प्लेन के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है। कोई नहीं, बताओ बताओ। कोई नहीं, कोई सी भी छोटी सी दिक्कत हो मैं ठीक करवा लूंगा। ये प्लेन बस चलता है, उड़ता नहीं है। हैं? क्या? हाँ ये प्लेन दिखने में बढ़िया है और चलता भी काफी तेज है, लेकिन उड़ता नहीं है यार। तो इस प्लेन का क्या करूँ मैं फिर? तुम नहीं तो कह रहे थे कैसा भी प्लेन दे दो मैं अपग्रेड करवा लूंगा, करवा लेना इसे अपग्रेड। अरे लेकिन सर अगर चलता है उड़ता नहीं है तो फिर वो प्लेन किस बात का? अब ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये प्लेन बस चलता है। अरे हाँ यार, ये तो सीरियसली उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। अरे ऐसा प्लेन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे तो इसे प्लेन क्यों कह रहे हो? इसे चलती फिरती गाड़ी बोलो ना भाई। अरे विंग्स वाली गाड़ी बोलो इसे। अरे यार ये तो उड़ ही नहीं रहा भाई, 2 सेकंड तो उड़ जाए यार, किस बात का प्लेन है ये? नहीं नहीं, मैं तो उससे ज़्यादा ही खुश हो गया शुरुआत में। मैं सोचा कि हर बार ये पुलिस वाले जो भी व्हीकल देते हैं उसे देखकर डिसअपॉइंटमेंट ही होती है, लेकिन आज बढ़िया लग रहा है। नहीं नहीं भाई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरे को फिर से आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है भाई। ये प्लेन है लेकिन उड़ता नहीं है, कौन सा प्लेन है ये? ओए वेट, उड़ा? ये उड़ा नहीं भाई, टकरा के बस हवा में उछला ये। कोई बात नहीं गाइस, इसे चलते हैं अपग्रेड कराने के लिए। भाई तू गोलियां कौन सा चला रहा है बे? जोरो वोरो की गैंग से है क्या? बेटा ऑफिसर फ्रैंकलिन नाम है मेरा, निकल यहाँ से, चल। भाई साहब मुझे लग रहा है गाइस ये डेफिनेटली किसी चोर वोर की गैंग से था, मेरे को देख के मेरे पीछे पड़ गया। छोड़ा, उड़ा दिया मैंने उसे। अभी फिलहाल इस प्लेन का क्या करूँ मैं? हाँ अपग्रेड करवाने लेकर चलते हैं, मे भी कुछ बढ़िया बन जाए। अरे उड़ जा यार, 1 सेकंड के लिए तो उड़ जा हवा में, प्लीज प्लीज। ओए नाइस, गिर गया ये। क्या है ये? तो इस प्लेन को उड़ाते उड़ाते तो नहीं, चलाते चलाते मैं लेकर पहुंचने वाला हूँ गाइस बीच साइड की तरफ। ओए पुलिस वाले मान जा भाई। अरे यार आजकल भाई चोरियां बढ़ गई है, शुरुआत में मैं कह रहा था क्राइम रेट। ओए वो कौन था? ओए तेरी ऐसी की तैसी भाई, किसने हमारे एक पुलिस ऑफिसर को गिरा दिया बे? हैं फिर अंदर इतनी हिम्मत, चोर के बच्चे। और कौन सा है बे? और कौन सा है? और कोई प्रॉब्लम ऑफिसर? नो ऑफिसर। बढ़िया, चलो भाई निकलता हूँ मैं। भाई साहब हमारे सामने हमारी लॉस सैंटोस की पुलिस पर अटैक करेगा तू है बे? अभी तो फिलहाल इस प्लेन को किधर से लेके जाऊँ मैं? अरे ऑफिसर हट जाओ ना यार, एक तो बहुत ही बढ़िया प्लेन दे दिया है मेरे को। अरे यार एक इस प्लेन की सबसे बुरी बात तो यह है, देखो ये उड़ नहीं रहा। उससे भी बुरी बात बताऊं क्या है, ये चल भी नहीं पा रहा है। मतलब सड़क पे इसकी विंग्स टकरा रहे हैं भाई दूसरी गाड़ियों से, और कहीं कहीं पे तो ये अटक भी जा रहा है, जैसे इस जगह पे अटक गया ये। ओके चलो भाई, खंभा उड़ा दिया। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं बीच पर क्यों लाया हूं इसे? बीच पर इसलिए लाया हूं गाइस क्योंकि यहां पर एक प्लेन रिपेयर करने वाला बंदा रहता है, उससे इस प्लेन को रिपेयर करवाना है। हेलो ब्रो। अरे सर आप तो कोई पुलिस वाले लगते हो। कोई पुलिस वाला नहीं भाई, मैं पुलिस वाला ही हूँ। अच्छा सर, सर मैंने कुछ नहीं किया है। पता है भाई तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तू कर। सर क्या करना है कुछ समझा नहीं मैं। देख भाई तू प्लेन वगैरह रिपेयर करता है ये मुझे पता है। हाँ तो सर बोलो क्या करना है। ये प्लेन उड़ नहीं रहा भाई, इसको उड़ने लायक बना दे यार। प्लेन है उड़ नहीं रहा, ये कैसा प्लेन है? अब ये तो लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट ही जाने, लेकिन जो भी है ये प्लेन उड़ नहीं रहा है भाई, प्लीज तो इसको उड़ने लायक बना दे यार। ओके सर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए और 2 घंटे का टाइम दीजिए, आपका प्लेन एकदम रेडी हो जाएगा उड़ने लायक। ठीक है पहले तो उड़ने लायक बना इसे, फिर मैं तय करूंगा तुझे 1 करोड़ देने हैं कि नहीं। ओके सर 2 घंटे दीजिए, आपका प्लेन उड़ने लायक अभी बना देता हूँ मैं। फटाफट से कर, जल्दी कर, दिमाग खराब हो रहा है यार। इन पुलिस डिपार्टमेंट वालों से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, प्लेन मांगा तो बिना उड़ने वाला प्लेन दे दिया भाई। ओके सर आपका प्लेन उड़ने लायक बन चुका है। अच्छा पक्का भाई? यस सर पक्का। ओके लगता तो नहीं है, मेरे को उम्मीद नहीं है भाई ये प्लेन कभी उड़ेगा, बट स्टिल। सर मेरे पैसे। अबे तू ले भाई, तू पहले पैसे ही ले, दिमाग खराब कर रहा है। ले भाई पैसे ले, तू हैप्पी खुश पैसे लेके। अब सर अब ट्राई करो इसे। ओके अब ट्राई करने दे, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। ओके आराम से पीछे और ये। ओ नाइस, फाइनली फाइनली गाइस एटलीस्ट इस प्लेन ने टेक ऑफ तो किया।
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस प्लेन को देख के भाई, मैं क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ओ भाई साहब 262-270 किलोमीटर पर आवर, मुझे लगता है मैक्सिमम 270 है इसकी स्पीड, और जितनी भी है बढ़िया यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस प्लेन को। चलाते चलाते मैं थक गया भाई, क्योंकि उड़ाने को तो मौका ही नहीं मिला, उड़ ही नहीं रहा था ये, बट फाइनली अभी उड़ रहा है। अभी एक काम करते हैं, उड़ने लायक तो ये प्लेन बन गया, अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उड़ने लायक काम चलाऊ प्लेन थोड़ी ना चाहिए, हमें तो फास्ट प्लेन चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लेन चाहिए। तो किसी ऐसे प्लेन रिपेयर करने वाले बंदे के पास चलते हैं जो इसको फास्टर भी बना सके और स्ट्रॉन्गर भी बना सके, उसके बाद फिर इसके अंदर मैं गन्स वगैरह लगवाऊंगा। चलो भाई फटाफट से इसको स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट बनाते हैं, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। भाई सब चील अभी टकरा जाती मेरे प्लेन से। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ गाइस लॉस सैंटोस के डेजर्ट वाले रनवे पर। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जो इस प्लेन को थोड़ा फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर बना सके। अभी चलो टेक ऑफ टेस्ट तो हम लोगों ने कर लिया, लैंडिंग टेस्ट भी कर लिया जाए। भाई जितनी बढ़िया तरीके से मेरे को हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने आता ना भाई, उतनी बढ़िया तरीके से मेरे को प्लेन लैंड करने आता है। देखना प्लेन कितनी ब्यूटीफुली लैंड करूँगा मैं, ये देख रहे हो तुम लोग कितनी प्यार से लैंडिंग की है मैंने, इसे कहते हैं एकदम ओपी वाली लैंडिंग। फिलहाल तो इधर है भाई कोई रिपेयर करने वाला, ओए रुक जा प्लेन मेरे, रुक जा भाई कहाँ जाके रुकेगा, आगे हाईवे है। एक बंदा है, तो ये तो वही बंदा लग रहा है जिसने हेलीकॉप्टर रिपेयर किया था, कि जरूरत तो नहीं है अभी फिलहाल हमें। अरे मेरी कैप गिर गई भाई, चलो भाई कैप और चश्मा दोनों उठा लिया है मैंने, हेलीकॉप्टर को स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट बनाना है। हेलो भाई साहब, आप क्या करते हो यहाँ पे? सर मैं चोर तो नहीं हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा चोर हो भाई, ये बताओ प्लेन वगैरह रिपेयर करने वाले किसी बंदे को जानते हो? मैं ही हूँ। अच्छा, मेरे को जरा अपने प्लेन को थोड़ा फास्ट बनवाना है और थोड़ा अपग्रेड करवाना है, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग बनवाना है। आपको प्लेन मिला है या आपने खरीदा है? आप मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। पुलिस वालों को भी प्लेन मिलने लग गया? अरे भाई मिला है मेरे को, तू चलना उसे ठीक कर। ओके सर, क्या क्या करवाना है आपको जरा एक्सप्लेन करोगे? देख भाई इसके अंदर तू कुछ मत कर, इसको फास्ट कर दे और स्ट्रॉन्ग बना दे। 3 करोड़ एक घंटा? अरे ठीक है भाई तू कर 1 घंटे में। 1 घंटा? हाँ हाँ सर, इतना ही टाइम लगता है मेरे लिए। ठीक है चल फटाफट कर। कितनी देर हो गई बन गया? ओए प्लेन तो अपग्रेड हो गया, प्लेन तो पहले के मुकाबले थोड़ा एनलार्ज्ड लग रहा है। यस सर मैंने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है भाई तेरे 3 करोड़। भाई मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं यार बैंक में, अब जरा से पैसे बचे हैं। पुलिस वालों ने ढंग से एक तो सैलरी भी नहीं दी है, मतलब सैलरी तो दे ही रहे हैं लेकिन कुछ प्रमोशन वमोशन मिल नहीं रहा, सैलरी बढ़ नहीं रही उतनी की उतनी है। फास्ट है भाई ये प्लेन? यस सर, पहले आपकी प्लेन की स्पीड 270 के लगभग थी है ना? हाँ भाई। अब इसकी स्पीड 400 से ऊपर हो चुकी है, बस 500 तक मैक्सिमम जा सकती है, छोटा सा एक बूस्टर लगा है उसके यूज करें तो। अच्छा लेट मी चेक दिस गाइस, कितनी मैक्सिमम स्पीड जा सकती है। ओके ये ब्यूटीफुल सा टेक ऑफ, ओके नाइस नाइस, और स्पीड कम ऑन। अबे और क्यों नहीं जा रही है स्पीड? हेलो ओके नाइस, छोटा सा बूस्टर लगाया गाइस, यस उसको यूज करके 500 तक जा पा रही है स्पीड। अरे फिर तो बढ़िया यार, 500 क्या, उसको यूज करके तो 600 भी जा पा रही है इसकी स्पीड। भाई प्लेन तो फास्ट हो गया, ये 500 की अगर स्पीड से मैं किसी चोर के पीछे पड़ जाऊं आराम से पकड़ लूंगा आराम से। अब देखो गाइस प्लेन स्ट्रांग भी हो चुका है, फास्ट भी हो चुका है और एकदम बढ़िया सा दिख भी रहा है। भाई अगर लुक वाइज देखा जाए तो ये प्लेन कितना एपिक लग रहा है, तुम लोग खुद देखो, ये देखो भाई कितना एपिक ही प्लेन है भाई। तो लुक वाइज भी अच्छा है और बढ़िया, एकदम स्ट्रांग भी हो गया, फास्ट भी हो गया है। अब जरूरत है तो इसके अंदर एक वेपन इंस्टॉल करवाने की और हल्का सा अपग्रेड करवाने की, तो वो करवाने के लिए निकलते हैं गाइस हम लोग नॉर्थ यंगटन की तरफ। देखा भाई स्ट्रांग, कोई नॉर्मल प्लेन होता तो अभी तक ब्लास्ट हो चुका होता, लेकिन मेरा ये प्लेन काफी स्ट्रांग है इसीलिए ब्लास्ट नहीं हुआ भाई उस टावर से ठुकने के बावजूद। अब निकलते हैं नॉर्थ यंगटन में भाई, अब पलीटो बे को मैं नॉर्थ यंगटन बोल रहा हूँ, पलीटो बे निकलते हैं। वहां पर मैंने एक बंदे को देखा है, मतलब एक बंदे को जानता हूँ मैं, वो अपने प्लेन को थोड़ा और अपग्रेड कर देगा। चलते हैं फटाफट, पहुंच चुके हैं गैस पलीटो बे, देख रहे हो मेरे फास्ट प्लेन की वजह से कितनी जल्दी पहुंच गए। फिलहाल मुझे लैंड करना है, जो सामने कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है गैस, इसके अंदर ही वो बंदा रहता है, मतलब रहता क्या है यहीं पे काम करता है वो। चलो भाई प्लेन एकदम बढ़िया तरीके से लैंड भी कर लिया, देखा इस प्लेन को रनवे की भी जरूरत नहीं है। वो रहा वो, हेलो भाई कैसा है तू?
अरे फ्रैंकलिन सर, आप यहाँ पर? हाँ भाई, आज तेरी जरूरत है भाई, जरा प्लेन को तू अपग्रेड कर देगा और वेपन्स लगवा देगा इसके अंदर। बिल्कुल सर, हो जाएगा ये काम, लेकिन आपको प्लेन की क्या जरूरत? अरे यार भाई, चोरों ने परेशान करके रख दिया है। लॉस सैंटोस के चोर बहुत ही खतरनाक हो गए हैं आजकल भाई, वो प्लेन चुरा रहे हैं। अब प्लेन को पकड़ने के लिए प्लेन की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये प्लेन पुलिस वालों से मांगा है और उसे अपग्रेड करवा रहा हूँ मैं। सर हो जाएगा आपका काम, ठीक है, फटाफट से काम कर दे। पैसे? अरे पैसे क्या लेने हैं सर आपसे? अबे तू बता ना भाई, पैसे? सर लगभग 2 करोड़ का खर्चा बैठेगा। हैं, अभी बोल रहा है पैसे क्या लेने हैं आपसे, अब सीधे 2 करोड़ का बिल? ठीक है, फटाफट से वेपन्स लगा दे इसके अंदर, मिसाइल और मशीन गन लगा दे, ठीक है? ओके सर, ओके। ठीक है भाई, फटाफट कर, चलते हैं जरा अपने प्लेन के पास। अरे जाने दो भाई पटरियों। ओके, और आ भाई, अबे प्लेन का तो फाइटर जेट बना दिया इसने भाई, ये तो। सर कैसा लगा ये? अबे ठीक है, लेकिन भाई फाइटर जेट नहीं लग रही है। सर फाइटर जेट लुक छोड़ो ना आप, एक बार जरा इसको उड़ा के आओ। ठीक है सर, इसकी स्पीड भी मैंने हल्की सी इंक्रीज कर दी है। ओके, ओ भाई साहब, टेक ऑफ तो काफी बढ़िया हो चुका है। बिना बूस्टर के स्पीड इसकी ऑलरेडी 250 है गाइस, बूस्टर के साथ तो 500 पहुंच ही जाएगी। ओके ओके ओके, ये वेपन्स है, और बात की जाए तो ये मिसाइल, यस मिसाइल्स और शॉटगन नहीं मशीन गन दोनों लगा दिए हैं, और हैंडलिंग तो बढ़िया है, ये लुक भी ठीक ही लग रहा है यार, लेकिन अब थोड़ा ये लुक जो है भाई फाइटर जेट का ज़्यादा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, जब मिलिट्री वालों के पास फाइटर जेट हो सकता है तो लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के पास भी नहीं। और ये पहला फाइटर जेट है भाई, लास्ट टाइम पुलिस बस जो मिली थी वो भी फर्स्ट टाइम किसी पुलिस वाले को पुलिस बस मिली थी, और ये आज फर्स्ट टाइम किसी पुलिस वाले को प्लेन मिला है। यस, मज़ा आ गया, चलो इसको लेकर चलते हैं फटाफट वापस से और उसकी पेमेंट कर देते हैं। ओए ओए ओए, आराम से भाई, आराम से, फास्ट कुछ ज़्यादा ही है ये। कहाँ पे लैंडिंग करनी थी? सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे। ओए हट जा, तेरे को उड़ा दूंगा मैं। आराम से इधर लैंडिंग, प्यार भरी लैंडिंग, बहुत ही बढ़िया हो गई लैंडिंग भाई, तेरी पेमेंट कर देता हूँ मैं। चलो भाई, पेमेंट तो हो गई उसकी, अभी फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर घर निकलते हैं भाई, पिंचन को दिखा के लाते हैं कि मेरे को एक मस्त वाला प्लेन मिल चुका है। लेकिन नहीं भाई, अगर ये प्लेन दिखाने गया तो वो लोग मेरा सर खा जाएंगे कि वो टेलर कब आएगा और उनकी ड्रेस कब सिलेगी। चलो कोई बात नहीं, घर ही निकलते हैं। ओके ओके, घर पहुंचने वाला हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ। पिंचन ने मेरा एक हेलीकॉप्टर ले लिया है, उसे शांति से रख दिया, इस्तेमाल तो करते नहीं है ये लोग। अबे तुम लोग बाहर ही हो बे? अरे हाँ यार, प्लेन अभी हमें उड़ते हुए दिखा था जब तुम इससे पहले एक प्लेन लेकर आए थे। अबे तुम लोगों को पता लग गया वो मैं ही अपग्रेड कर रहा हूँ। अरे और क्या यार, हमने मस्त वाले बाइनोक्युलर से तुम्हें देख लिया था। अच्छा भाई, मैं कलुआ एक बात बता, ये प्लेन तुझे कैसे दिया भाई पुलिस वालों ने? कैसे दिया मतलब? अरे मतलब तुम्हें क्यों दिया यार, बाकी पुलिस वालों को तो मिला नहीं है प्लेन। अब भाई इतने बढ़िया तरीके से मैं चोरों को पकड़ रहा हूँ एक एक साथ, मैं 7 चोरों की गैंग को पकड़ रहा हूँ, इसलिए खुश हो गए? अरे चलो यार, तुमने कुछ आलतू फालतू बोला होगा और छुट मुट की कहानी बनाई होगी, तभी तुम्हें प्लेन दे दिया। ओए झूठ मूठ की कहानी नहीं बनाई थी भाई, मैंने बताया कि एक प्लेन चोरी होते होते मतलब मैं उसे पकड़ते पकड़ते रह गया, क्योंकि वो जो चोर था प्लेन को फुल स्पीड में उड़ा के ले गया और मैं अपने हेलीकॉप्टर से उसे पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए मैंने पुलिस के हेड से डिमांड की एक पुलिस की प्लेन की, और उन्होंने मेरी डिमांड को पूरी करते हुए एक ऐसा प्लेन दिया जो कि उड़ता नहीं था। अरे ऐसा प्लेन कौन देता है यार? वही तो, इसलिए तो उसे अपग्रेड करवाने की जरूरत पड़ी, और फाइनली ये प्लेन अब मेरे को मिल चुका है। अरे वैसे यार, लुक वाइज तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, इसकी खासियत क्या है यार? इसकी खासियत ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, और साथ ही साथ इसके अंदर मिसाइल्स और मशीन गन लगी है। फिलहाल तो गाइस, तुम लोगों को हमारे ये मस्त पुलिस का प्लेन कैसा लगा कमेंट में जाकर बताना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी पुलिस की स्पेशल सीरीज नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो तुम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।